वेलकम बैक गाइज, राकेश सेठी फिटनेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हो अपने डाइट के ऊपर, जो शोल्डर जिसको हम बोलते हैं। मैं आपको 5 से 6 एक्सरसाइज करवा के दिखाऊंगा बच्चे के साथ में, और डाइट आपने कैसे अपना ब्रॉड करना है, कॉलर जिसमें हम ट्रैप्स जिसे हम बोलते हैं उसको कैसे कवर करते हुए चलना, अपने एडवांस लेवल की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम आपको ये शोल्डर का पार्ट करवा के दिखाएंगे। ठीक है, आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे शोल्डर के पार्ट के लिए सनी हमारे साथ में है, जिसमें कि हमारी 6 एक्सरसाइज आपको करके दिखाएंगे। और मैं एक्सरसाइज के नाम पहले बताना चाहूंगा आपको। पहली हमारी होगी डंबल प्रेस ऑल्टरनेट नेक रोड फ्रंट, फिर डंबल प्रेस हमारे, फिर फ्रंट रेज रोड और डंबल श्रक्स और अपर ट्रोइंग। मैं एक बात और कहना चाहूंगा बच्चों से कि 2 महीने 1 महीने के बच्चों को जाते हैं वर्कआउट करते करते उनको एक्सरसाइज के नाम ही नहीं पता होते, तो मैं उनसे ये और कहूंगा कि भैया नाम साथ में याद करते हुए चले और एक्सरसाइज अपनी कवर करें। चले करें अपनी वीडियो स्टार्ट। आइए पहले एक्सरसाइज हमारी डंबल प्रेस ऑल्टरनेट लेंगे, जिसमें कि हमारे 3 सेट होंगे। रेपिटेशन हमारे 10 रहेंगे, 1 हाथ से 5 1 हाथ से 5। तो सेकंड एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है नेक रोड फ्रंट। जैसे कि मैंने बेसिक एक्सरसाइज जो हम लेके गए थे उसमें नेक रोड बिहाइंड में हमने बैक और फ्रंट दोनों कवर करा था, लेकिन हम इसमें आज अपना फ्रंट लेके चलेंगे। सिर्फ 3 सेट रहेंगे इसके, 10-10 रेपिटेशन के। चलिए करके दिखाइए। ग्रिप जैसे कि मैंने पहले भी बताई थी आपको, डेल्ट से थोड़ा सा वाइट रहेगा और इसी तरीके से आपने लेना है, और हर सेट में वेट बढ़ाते हुए चलना आपने। तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है डंबल प्रेस। चलिए जैसे कि हमने ऑल्टरनेट किया था पहले साइड आपने स्टार्टिंग में, तो इसमें आपने प्रेस रखना है, दोनों हाथ एक साथ ऊपर जाएंगे आपके, और इसकी भी आपने 3 सेट कवर करने हैं, 3-3 सेट करते हुए आने और 10-10 रेपिटेशन। फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है फ्रंट रेज रोड, जिसमें कि मैंने लास्ट टाइम आपको फ्रंट रेज डंबल से करवाया था, जिसमें कि आज हम फ्रंट रेज रोड से क्लियर करेंगे। और मैं सन्नी के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा कि ये एक एज ए ट्रेनर भी है, लेकिन ये अभी ऑफ सीजन में चल रहे हैं और काफी पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, तो अभी इन्होंने कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रहे ऑफ सीजन के अंदर, तो इसलिए बॉडी के अंदर वाटर लेवल ज्यादा लग रहा है। तो जब ये तैयारी पे आएंगे, खेलने के कगार पे जब होंगे, जब मैं इनको फिर दोबारा वीडियो में लेके आऊंगा और फिर आप इनकी बॉडी में जो चेंजिंग हो देखना आप। चलिए करके दिखाइए। इसमें भी आपने 3 सेट कवर करने, रेपिटेशन वही रहेंगे 10-10 रेपिटेशन। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि हैवी वेट ज्यादा यूज ना करें इस एक्सरसाइज के अंदर, मीडियम वेट यूज करते हुए चले। बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, पांचवी एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है डंबल श्रक्स। तो ये बेसिकली हमारी ट्रैप्स की एक्सरसाइज है और इसके हमने 3 सेट कवर करने। चलिए 10-10 रेपिटेशन रहेंगे, हैवी वेट की एक्सरसाइज है, और जैसे जैसे वेट बढ़ेगा आपने बेल्ट अगर जिम में अवेलेबल है, बेसिकली वैसे जिमों में बेल्ट होती है, तो बेल्ट यूज करके जब आप हैवी वेट बढ़ाएं, और इसी तरीके से आपने ऊपर होल्ड करना है 1-2-3 झटके से, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैंने कई बार अपने जिम में भी देखा है, मैंने बच्चे झटके से छोड़ते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना आपने। अगली एक्सरसाइज की तरफ हम आ चुके हैं, जिसका नाम है अपर हेड रोइंग। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी, जिसमें कि कॉलर की एक्सरसाइज हमारी ट्रैप्स की जिसे हम बोलते हैं, तो इसके भी हमारे 3 सेट रहेंगे। चलिए जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बता रखा है कि रिस्ट आपकी थोड़ी लूज रहेगी और ऊपर होल्ड करते हुए चलना है इसी तरीके से आपने।
वेट धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलेंगे हर सेट के अंदर। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा शोल्डर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि आपको 6 एक्सरसाइज सन्नी के थ्रू हमने करवा के दिखाई है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मेल और फीमेल इसको यूज कर सकते हैं। मेल में जो है रेपिटेशन 10 रहेंगे और फीमेल में 15 रेपिटेशन रहेंगे। और मैं उनसे एक बात और कहना चाहूंगा कि फीमेल जो है थोड़ा लाइट वेट यूज करें, हैवी वेट यूज ना करें, और इस शेड्यूल को फॉलो करते हुए चलिए, गारंटीड रिजल्ट मिलेंगे। तो थैंक यू गाइज, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Thank you.